किशोर को मगरमच्छों को खाना खिलाने के लिए झील में धकेल दिया गया था। तभी एक लकड़ी का दरवाजा खोला गया। एक मगरमच्छ लड़के के ऊपर कूद पड़ा। वे एक दूसरे से संघर्ष करते रहे। आसपास खड़े लोगों ने शर्त लगाई कि लड़के को खा लिया जाएगा। वे पैसों का इंतजार कर रहे हैं। थियान मगरमच्छ से बचने की कोशिश करता है और किनारे पर चढ़ जाता है, लेकिन इस आदमी ने उसे नीचे गिरा दिया। तभी मगरमच्छ ने दोबारा हमला कर दिया। अंत में किनारे पर मौजूद नेता ने बंदूक उठाई और एक गुलाम को मार डाला। उनके मातहत तुरंत आगे बढ़े डरे हुए गुलाम। वहीं थियान अभी भी मगरमच्छ से लड़ रहा था। सरदार ने चाकू निकाल लिया। थियान, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। थियान ने चाकू उठाया और मगरमच्छ की ओर बढ़ गया। अंत में वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। चाकू सतह पर तैरने के साथ थियान भी कीचड़ से उठ खड़ा हुआ। नेता ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई। वहीं से उन्होंने थियान को गोद ले लिया। वह उसे फादर सिंगपा के सामने ले आए। सिंगपा ने थियान के सिर को छुआ, फिर कहा कि वह एक मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाद में वह ताकतवरों में भी सबसे ताकतवर बन गया। चेरनांग बहुत खुश है। उन्होंने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में पाला। सबसे पहले वह उसे जनजाति के दौरे पर ले गया। फादर सिंगपा ने थियान की नब्ज बताई है। वहाँ से थियान की मार्शल आर्ट की राह आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। चेरनांग दुनिया भर से उस्तादों को आमंत्रित करता है। हर दिन वह सीखना बंद नहीं करता और थियान बेहद मेहनती भी है। 5 साल बाद उन्हें एक उपलब्धि हासिल हुई। मानव अभ्यास उसके स्तर को बढ़ाने में सक्षम नहीं था, अतः उसने हाथी पर विजय प्राप्त कर ली। कई बार गिरने और उठने के बाद आखिरकार थियान ने सभी हाथियों को अपने अधीन कर लिया। चेरनांग ने देखा कि समय आ गया है। उन्होंने थियान को अपना पद छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले उन्हें 3 टेस्ट देने पड़े। पहला जापान के एक मार्शल आर्टिस्ट का हथियार है। प्रतिद्वंद्वी ने अभी तक चाकू नहीं निकाला है और हार गया है। दूसरा है संघर्ष। पहला पूर्व का एक मार्शल आर्ट मास्टर है। शरीर मजबूत है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। वह भी हार गया। तभी एक टैटू गुदवाया साधु बाहर निकला। छोटे शरीर वाले थियान ने लंबे भिक्षु का सामना किया। पहले तो इस साधु ने थियान पर दबाव डाला। थियान को दबा दिया गया, वह पलटवार करने में असमर्थ हो गया। तबीयत ठीक नहीं होने पर थियान ने रणनीति बदल दी। उसने साधु का हाथ मरोड़ने के लिए अपने शरीर के लचीलेपन का इस्तेमाल किया। फिर अंतिम परीक्षा है। थियान एक धुंधली गुफा में गया। एक औरत कोने में छुपी हुई है। उसने मदद के लिए पुकारा। थियान उसकी मदद करना चाहता है। परिणाम 1 सेकंड बाद। बुद्धिमान शिकारी हमेशा अपने शिकार की आड़ में सामने आता है। निश्चित रूप से गलत नहीं है। इसी समय चेरनांग आ गया। वह चाकू रखता है। जीवन आपके हाथ में है। पता चला अंतिम परीक्षा हत्या और दया है। राजसी बनने के लिए व्यक्ति को दया खोनी होगी। बाद में थियान ने चेरनांग का पद संभाला। उसने व्यापारी की नाव रोक दी। हर बार उसे बहुत सारी चीजें प्राप्त हुईं। सभी अधीनस्थ थियान के अधीन थे। एक दिन तक थियान ने एक परिचित बुद्ध प्रतिमा देखी। उस वर्ष उनके पिता एक देश के जनरल थे, लेकिन जनरल राजसेन ने विद्रोह कर दिया, जिससे देश को नुकसान हुआ। माता पिता दोनों को नुकसान हुआ। उसे भी पकड़ लिया गया और गुलाम मालिकों को बेच दिया गया। जीवित रहने के लिए वह झील में मगरमच्छ से लड़ता है। अब वह एक क्षेत्र का शासक था। यह बदला लेने का समय है। थियान भिखारी होने का नाटक करता है। उसने दास बाजार में घुसपैठ की। उसे कोई ऐसा मिला जिसने उसे उस वर्ष मगरमच्छ झील में धकेल दिया। उसने सबके सामने गुलाम मालिकों को नष्ट कर दिया। भाड़े के सैनिक आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वे थियान की दहार से डर गए। फिर भयंकर युद्ध हुआ। सबको मारो। फिर लोगों का एक समूह थियान के अधीनस्थ सभी को वश में करते हुए आ गए हैं। गुलाम मालिक ने उसकी जान मांगी। वह सारा धन और दास सौंप देगा, लेकिन थियान को पैसे से नफरत है। पहले उन्होंने उसे कैसे चोट पहुंचाई थी, अब उसने फिर से ऐसा किया। उन्हें भी मगरमच्छ तालाब में फेंक दिया गया। सभी गुलाम रिहा कर दिए गए। थियान की शक्ल मसीहा जैसी है। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। लेकिन ठीक इसी समय थियान ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे हर कोई स्वीकार नहीं कर सका। उस शाम राजा एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा था। थियान प्रदर्शन करने के लिए मंच पर गया, जिससे दृश्य अवरुद्ध हो गया। फिर उसने 2 धुएं की गोलियां फेंक दी। वह दौड़कर राजा के पास पहुंचा। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। राजा ने ही उसके माता पिता की हत्या की थी। थियान ने नकाब खोला। आप इस पल का 10 साल से इंतजार कर रहे थे।
सफल बदला लेने के बाद वह भाग गया, लेकिन उसका चाकू राजा के आदमियों ने उठा लिया। उसकी पहचान उजागर हो गई। थियान ने पाया कि जनजाति में एक भी व्यक्ति नहीं था। एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसे पता था कि क्या हुआ था। आंसू छलक पड़े। फिर थियान को गुस्सा आ गया और उसने पागलों की तरह भड़ास निकालना शुरू कर दिया। उसने इस नकाबपोश आदमी को मार डाला। इस समय उन्होंने मचान पर एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा देखा। उसके बाद अधिक से अधिक दुश्मन। थियान की सहन शक्ति भी समाप्त हो गई थी, इसलिए वह भागना चाहता था, लेकिन वह नकाबपोश से दूर नहीं भागा। उसकी स्थिति सदैव शत्रु के सामने प्रकट हो जाती है। थियान अभी तक नहीं गिरा है। नकाबपोश आदमी बाहर था। उसने थियान को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन थियान ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने घाव का इलाज किया और लड़ना जारी रखा। जब दुश्मन ने हमला किया तो एक हाथी थियान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। ये लोग डर गए और पीछे हट गए। अंततः थियान भी सांस लेने में सक्षम है। थियान हाथी की पीठ के ऊपर चढ़ गया। काले कपड़े पहने एक आदमी आसमान से उड़कर नीचे आया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस शख्स का दिमाग सामान्य नहीं है, लेकिन जब हर कदम घातक हो। थियान में अब वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। यहाँ तक कि हाथियों पर भी उसका अत्याचार होता था। थियान खतरे में है। वह घातक रूप से घायल हो गया था और उसे घेर लिया गया था, लेकिन दुश्मन ने गोली नहीं चलाई। सिर उठाने के बाद थियान पूरी तरह टूट गया। राजा अभी मरा नहीं है, वह अभी भी कवच पहनता है। पीछे उसे और भी अधिक उदास करने वाली बात थी। शेरनाग फिर से प्रकट होता है। राजा ने उन्हें युद्ध के लिए बाध्य किया। उनमें से एक गिर गया होगा। अंत में थियान की रक्षा के लिए शेरनाग ने खुद को बलिदान कर दिया। हालांकि थियान अभी भी राजा की हथेली से बच नहीं सका। आगे वह यातना का सामना कैसे करेगा और फिर कौन सा चमत्कार होगा? चलो साथ मिलकर इंतजार करें।